वेलकम गाइस टू द थर्ड लेक्चर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी तक हम एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 रिएक्शन देख चुके हैं, E2 रिएक्शन भी देख चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो है E1CB रिएक्शन, जो कि ये तीनों ही हमारे सिलेबस में है। ठीक, इसके बाद इसके अलावा हम जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो है प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपी इफेक्ट भी आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ये एडवांस में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसका। सेकेंडरी इफेक्ट भी होता है इसमें, लेकिन सेकेंडरी हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब। तो आज के लेक्चर में हम पहले देखेंगे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, देन देखेंगे E1CB रिएक्शन की क्या फेवरेबल कंडीशंस होती है, किस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता क्या है वो समझ लेते हैं पहले डेफिनेशन से। देखो, अगर हम एटम से, ठीक है, उसके आइसोटोप को चेंज करें, ठीक है, रिप्लेस करें, इफ़ वी चेंज एन एटम विद इट्स आइसोटोप एंड रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, और अगर वो आइसोटोप से चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है, तो रिएक्शन कही जाती है कि ये काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, अब इस तरीके से समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे मान लो रिएक्शन में एच एच लगे हुए हैं कहीं, और उनको अगर हम डी से रिप्लेस कर दें उसके आइसोटोप ड्यूटेरियम से, ठीक है, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है RDS में आपकी, तो कहा जाता है कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ये शो कर रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। देखिए, ये एक सब्सट्रेट है, इसमें एच एच लगे हुए हैं, ठीक है, इधर आपके ड्यूटीरियम लगे हुए हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटीरियम लगा हुआ है, सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। प्रोडक्ट इस तरीके से बनेंगे, जब ये वाला एच और ये वाला लिविंग ग्रुप आपका निकल जाएगा तो बोन्ड इन दोनों के बीच में बन जाएगा, एलिमिनेशन होगा। ठीक है, इधर भी इन दोनों के बीच में एलिमिनेशन होगा और बोन्ड यहाँ बन जाएगा। लेकिन ये जो KH और KD आप देख रहे हैं, ये आपके रेट को शो करेंगे, रेट कॉन्स्टेंट्स हैं। हाइड्रोजन जब निकला तो उसके लिए रेट कॉन्स्टेंट हमने KH ले लिया, ड्यूटीरियम जब एलिमिनेट हुआ तो उसके लिए हमने रेट कॉन्स्टेंट KD ले लिया। ठीक है, अब अगर इनके रेट अलग अलग है तो इनका रेशियो 1 नहीं आएगा। ठीक है, अगर रेट सेम होती तो इनका रेशियो कैसा आता, 1 आता, तो उस केस में प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं होता। अगर रेट चेंज है तो कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आएगी KH अपॉन KD की, इनके रेशियो की। तो इनका जो रेशियो आता है KH अपॉन KD का, वो 7 के अप्रोक्स आता है, यानी KH 7 टाइम्स ज़्यादा है KD से। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, KH जो है वो 7 टाइम्स ज़्यादा है किससे, KD की रेट से। मतलब जो ड्यूटीरियम निकला उससे भी फास्ट निकला KH, है ना, आपका जो हाइड्रोजन निकला वो ड्यूटीरियम से काफ़ी फास्ट निकला। ठीक, और इस तरीके से जब रेट में चेंज होता है ड्यूटीरियम को चेंज, मतलब आइसोटोप को चेंज करने के, किसी एटम के आइसोटोप को चेंज करने से, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। देखते हैं और आगे क्या क्या दिखाता है ये इफेक्ट। इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन डेट ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन RDS। देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक जो हो रहा है हमारा CH वाला, ये कहीं ना कहीं RDS में इन्वॉल्व है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है, इसीलिए तो रेट चेंज हो रही है इसके चेंज होने से। ड्यूटीरियम जब चेंज हुआ तो रेट चेंज हुई, अगर ये इन्वॉल्व ही नहीं होता रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो ये रेट डिटरमाइन ही नहीं करता। ठीक है, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट से। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि देखो रेट इसकी ज़्यादा आई, एच के निकलने की रेट डी से निकलने से ज़्यादा आई, यानी जो डी की बॉन्ड एनर्जी है सी डी बॉन्ड की वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ी। ठीक है, वो टेम्परेचर के थ्रू करवाई हो या रिएजेंट सॉल्वेंट इफेक्ट से करवाई हो, जैसे भी हो, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा टूटने में इसको। वहीं इसका बॉन्ड ब्रेक करने में कम टाइम लगा, क्योंकि कम एनर्जी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशंस भी मिलती है इस कॉन्सेप्ट से, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट से। सीधा सा है, अगर ये स्टेप RDS होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, इसका निकलना, एच का निकलना, तो यहाँ पे जो भी लगा हुआ होगा उसकी बोन एनर्जी रेट को इफेक्ट करेगी आपके। ठीक है, सीधा सा ध्यान रखना है हमें बस ये। बोन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सी डी की ज़्यादा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होगी इसका बोन ब्रेक करने में, इसलिए रेट भी इसकी थोड़ी कम हो गई। ठीक है, और इसकी रेट काफ़ी ज़्यादा है, 7 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे आपको हर रिएक्शन में तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक, बस ध्यान रखना है जहाँ जहाँ मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन सी रिएक्शन आपके काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो
करती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे इवन सीबी रिएक्शन, जो कि थर्ड टाइप है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, देखो सीबी का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस। क्या मतलब होता है सीबी का? कॉन्जुगेट बेस। ठीक, यानी एच प्लस निकलेगा, कार्बेनायन फॉर्मेशन होगा और कॉन्जुगेट बेस बचेगा आपका। देखिए, जैसे एसिड से एच प्लस निकल जाता है, ठीक है, तो क्या बचता है फिर इधर? कॉन्जुगेट बेस बचता है। ठीक है, तो वही वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट बेस का। देखिए कैसे होती है, इट टेक्स प्लेस व्हेन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज हाईली फेवरेबल। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज हाईली फेवरेबल का मीनिंग क्या होगा? देखिए, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा कैसे? जब एच प्लस निकलेगा, और एच प्लस आसानी से कब निकलता है? जब वो अच्छा एसिडिक हो, यानी जो आपका बीटा एच होगा, लिविंग ग्रुप वाला कार्बन अल्फा होगा, उसके पास वाला बीटा कार्बन होगा, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन बीटा एच होगा, तो बीटा एच शुड बी हाईली एसिडिक। ये अगर हाईली एसिडिक होगा, तभी तो आसानी से निकल के कार्बन आयन फॉर्मेशन को हाईली फेवरेबल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है हमें, जब भी बीटा एच हाईली एसिडिक दिखे, तो वहाँ पे कार्बन आयन फॉर्मेशन फेवरेबल है, तो इवन सीबी रिएक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है स्लोली। ठीक है, तो पहली स्टेप में कौन निकलता है इसमें? एच प्लस। इवन सीबी में पहले कौन निकलता है? एच प्लस निकलता है। इवन में कौन निकलता था पहले? लिविंग ग्रुप निकलता था। ठीक है, कार्बोकेटायन बनता था वहाँ, यहाँ पहले एच प्लस निकला, इसलिए क्या बनेगा? कार्बोएनायन बनेगा। अब देखिए एक और चीज़ है, बीटा एच हाईली एसिडिक है, यानी यहाँ पे कोई माइनस आयन ग्रुप लगे होंगे इसके कार्बन के पास, बीटा कार्बन के पास, तभी ये हाईली एसिडिक होगा। तो ये कुछ चीज़ें हम निकाल सकते हैं इसकी कंडीशंस में से, देखते हैं और आगे कंडीशंस इसकी। बीटा एच हाईली एसिडिक होना चाहिए, यानी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग माइनस आयन ग्रुप्स। ठीक है, बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। इस एच प्लस को निकालने के लिए, एसिडिक एच को निकालने के लिए आपको बेस भी कैसा चाहिए होगा? स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। ठीक है, और लिविंग ग्रुप इसमें अच्छा ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि पहले लिविंग ग्रुप को निकलना ही नहीं है, तो वो अच्छा ना भी हो तो भी चलेगा, और बल्कि अच्छी कंडीशन है वो तो पुअर लिविंग ग्रुप का होना इसके लिए। क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप अगर हुआ, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप अगर हुआ, तो हो सकता है साथ साथ भी निकल जाए ये दोनों, ए टू जैसी कंडीशन बन जाए, है ना? तो यहाँ पे जितना खराब लिविंग ग्रुप हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो तीन कंडीशंस हो गई आपके पास, अच्छा एसिडिक एच, उसको निकालने के लिए अच्छा बेस, और लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। ठीक है, और एसिडिक एच अच्छा कब होगा? जब उसके आसपास माइनस एम ग्रुप मौजूद होंगे। ओके, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन होता है, किसके कारण होता है? एसिड बेस रिएक्शन की वजह से। और देखिए एसिड बेस रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही हो जाती है वो, तो ये स्टेप तो फास्ट है, यानी ये वाली स्टेप रेट डिटरमाइन नहीं करेगी। ठीक है, स्टेप टू, जो स्लो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइन करती है, हमेशा ध्यान रखें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो वाली होती है। देन आपका लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा, कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा ये वाला कार्बन आयन बनने की वजह से, उससे कौन निकल जाएगा फिर? लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और ये स्लो स्टेप होती है, यहीं से हमारी रेट डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो रेट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है इसमें देख लेते हैं। रेट जो होती है आपका सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और बेस की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और इधर से आपका बेस जब एच प्लस को ले जाएगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा लेंगे तभी वो अच्छे बेस की तरह वर्क करेगा, अदरवाइज तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करने लग जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर वर्क करने लगा तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन कराएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा इसका, अभी जो मैंने बात की है कि जब आपका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर से, तब होता है एलिमिनेशन। ठीक है, और जब आपका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो बेसिक कैरेक्टर से, ठीक है, तब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। ये हमेशा ध्यान रखें इस बात का। जैसे बेसिक कैरेक्टर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रॉपर सॉल्वेंट लेके, जैसे के ओ एच है, ठीक है, इसमें से जो ओ एच माइनस निकलता है वो बेस की तरफ भी वर्क कर सकता है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क कर सकता है इसका जो ओ एच माइनस है। ओके, लेकिन अगर हम इसको एल्कोहलिक ले लें और इसको एक्वस ले लें, ठीक है, तो अब ये उल्टा हो जाएगा दोनों आपस में। देखिए एल्कोहलिक के ओ एच लेने की वजह से क्या हुआ, इसका बेसिसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई न्यूक्लियोफिलिसिटी की से, तो यहाँ पे ये एज ए बेस वर्क करेगा।
एक्वस सॉल्यूशन लेने की वजह से बेसिसिटी थोड़ी कम हो जाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी से, तो यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, और जब बेस की तरह वर्क करेगा तो एलिमिनेशन करेगा। देखिए अभी तक जो तीनों आपके एलिमिनेशन रिएक्शन आई है, E1, E2 एंड E1 CB, उसमें आपके बेस ही लिया है, न्यूक्लियोफाइल नहीं लिया है, ठीक है? तो इसीलिए इसमें कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ओके? साथ ही साथ एक सीधा सा रिलेशन है, जितना अच्छा कॉन्जुगेट बेस होगा उतनी ही बढ़िया रेट होगी आपकी, क्लियर है? देखते हैं इसमें कैसे ग्रुप्स लगे हुए होंगे, कैसा सबस्ट्रेट दिखाई देगा हमें, ताकि हम पहचान सकें कि इसमें हमें इवन सी भी करवानी है। रिएक्शन पहचानना सीखिए इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन सेक्शन के अंदर, ताकि जब हम चैप्टर्स करेंगे हमारे हेलो एल्केन एल्कोहल वगैरह, तो आपको आसानी रहेगी प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है? धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, अभी स्टार्टिंग है, जस्ट सब्र रखें थोड़ा। देखिए ये सबस्ट्रेट है पूरा, इसमें अगर यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए होंगे बीटा कार्बन, देखिए ये अल्फा है, ठीक है, ये बीटा है, इस बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ ये बीटा एच है, ओके? इस पे जो ग्रुप लगे हुए होने चाहिए वो कैसे ग्रुप लगे होने चाहिए, अच्छे माइनस आई माइनस एम ग्रुप, जैसे कि आपके NR3+, CN, NO2, ठीक है, या फिर कीटोन LDHD, इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं ये काफ़ी अच्छा माइनस आई माइनस एम प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी वजह से जो ये पास वाले कार्बन पे एच लगा हुआ है वो हाईली एसिडिक हो जाता है, ठीक है? और इस पे जब अच्छा बेस लाएंगे तो वो पहले इसको ले जाएगा, कार्बेनाइन फॉर्मेशन होगी, देन आपके रस्ता कसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये माइनस इधर आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। ये पुअर लिविंग ग्रुप होगा तभी ये सेकंड स्टेप में निकल पाएगा एक, लेकिन अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, बहुत अच्छा, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों साथ में निकल जाए, ठीक है? चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आए। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए बेस है आपके पास ETO-, यहाँ पे कौन है, ये ETO- निकलेगा इसमें से, ठीक है? एक बेस है, छोटा ही बेस है, यानी अच्छा खासा बेस है, ओके? अब देखते हैं यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है आपका OPH, क्योंकि PHO- बना देगा ये निकलने के बाद, एनाइंस बनाते हैं जनरली लिविंग ग्रुप, ठीक है? यहाँ पे ये ग्रुप देखिए कैसा ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप जो है कैसा दिख रहा है आपको, ये कैसा है, माइनस आई माइनस एम लगाने वाला ग्रुप है, ठीक है? और ये आपके इसके पास लगा हुआ है, यानी ये आपका एसिडिक एच हो गया, अच्छा खासा एसिडिक है, ठीक है? और ये आपके क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया अल्फा कार्बन पे, ये बीटा कार्बन हो गया आपके, ठीक है? लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा और इसके पास वाला बीटा, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एच, बीटा एच, ठीक, और बीटा कार्बन पे माइनस आई ग्रुप लगे हुए जो इसको अच्छा एसिडिक एच बना रहे हैं, ठीक है? तो कार्बेनायन फॉर्मेशन हाईली फेवरेबल है यहाँ पे, क्योंकि माइनस आई ग्रुप इस माइनस को, इस कार्बेनायन को स्टेबल रखेगा, ठीक है? तो देखते हैं पहले स्टेप में क्या होने जा रहा है इसके अंदर। देखो ये ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, ठीक है? जब एच निकल गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बेनायन, क्योंकि ये जो बेस है इस एच प्लस को लेके जा चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बना, कार्बेनायन बना, इसके बाद ये CH2 एंड ये आपका लिविंग ग्रुप, ओके? नेक्स्ट क्या होगा, देखिए ये लिविंग ग्रुप आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है इसका जुड़ा हुआ इससे, तो यहाँ पे डेल माइनस आएगा, इस पोजीशन पे डेल प्लस आएगा, ठीक, इस डेल प्लस की तरफ ये नेगेटिव आपका अट्रैक्ट होगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा हमारा प्लस माइनस से, तो फाइनल हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है? तो एलिमिनेशन हुआ, देखिए आप सिंगल बॉन्ड से मल्टीपल बॉन्ड पे आ गए, यानी ये क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, और पहले कौन निकला, एच प्लस निकला, और बाद में लिविंग ग्रुप निकला है, इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, E1CB टाइप की रिएक्शन है, कॉन्जुगेट बेस बना पहले एच प्लस निकलने के बाद, ठीक है, देन उसने लिविंग ग्रुप को निकाल दिया और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया, ओके? टू स्टेप रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसके जो रेट का ऑर्डर था यहाँ पे, इससे हमें पावर को सम करेंगे तो 2 आएगा, यानी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है हमें पता चलता है, ठीक है, और टू स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखो क्या होगा, अगेन ग्रुप पहचानो इसके अंदर,
ये आपके देखो एसओ वाला एक ग्रुप लगे हुए हैं, ये है काफ़ी अच्छे, ये भी माइनस आई वगैरह लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, माइनस आई माइनस एम, ये आपका लिविंग ग्रुप हो गया। और यहाँ से अगर इस एक एच को हटा दें अगर हम, ठीक है, इस एक एच को हटा दें, तो ये जो एच है हमारा ये एसिडिक है, काफ़ी अच्छा एसिडिक है, ठीक है, ये बीटा एच हो जाएगा। अगेन ये ई टी ओ माइनस क्या करेगा, इस एच प्लस को लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, लिविंग ग्रुप का डिपार्ट होना। पहले एच प्लस रिमूवल हो गया, अब लिविंग ग्रुप डिपार्ट कैसे होगा, ये इधर प्लस की तरफ अट्रैक्ट होके इसको निकाल देगा, क्योंकि कार्बन के पांच बॉन्ड नहीं हो सकते, ओके। तो लिविंग ग्रुप को निकलना ही पड़ेगा फाइनली, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ठीक है, तो काफ़ी आसान है, सिंपल सा है। जैसे ही आपको कोई माइनस आई माइनस एम ग्रुप दिखे और पोअर लिविंग ग्रुप दिखे, क्या करना है आपको, पहले एच प्लस ले जाना है, फिर उसके लिविंग ग्रुप को निकाल के एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बना देना है, काफ़ी आसान है, ठीक है। और देखते हैं, अगेन वही चीज़ है, देखिए ओ एच भी पोअर लिविंग ग्रुप होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये कीटोनिक ग्रुप है जो कि माइनस आई लगाएगा, ये आपका पोअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और ये माइनस आई ग्रुप के पास लगा होने की वजह से इसका जो एच है वो एसिडिक है, तो ये बेस क्या करेगा, इसका एच लेके जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा इस तरीके से, यहाँ पे के एनायन बन जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर ये बाहर, ठीक है। आसान है रिएक्शन अगर समझ के चले, ये इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो काफ़ी आसान आसान से प्रोडक्ट रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट समरी कर लेते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर कि कब कब एलिमिनेशन होगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ एलिमिनेशन पढ़ा है तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लोगे, एडिशन भी पढ़ लोगे, उनके टाइप्स पढ़ लोगे जो कि टोटल मिला के 7-8 टाइप्स हैं, ठीक है, तो फिर कन्फ्यूजन होने लगता है कि कब एलिमिनेशन करवाएं, कब सब्स्टिट्यूशन करवाएं, कब एडिशन करवाएं, ठीक है। तो ऐसे समरी में हर एक के बाद दूंगा और कंपैरिजन भी दूंगा आपको, तो आपको सही से ध्यान चलता रहेगा कि रिएक्शन के दौरान हमें करना क्या होता है, ठीक। तो देखिए टर्शरी ग्रुप्स जो होते हैं वो प्रिफर करते हैं एलिमिनेशन, ठीक है, टर्शरी प्रिफर्स एलिमिनेशन। नेक्स्ट जो हमने इसमें देखा है कॉमन, कि एसिडिक बीटा एच है तो वो एलिमिनेशन प्रिफर करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे नॉर्मल बीटा एच है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है लिविंग ग्रुप के पास वाला, देखिए। और इधर ये जो बीटा एच है ये पीएच के साथ है, यानी अगर ये एच प्लस निकल जाएगा तो पीएच के साथ अच्छा कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, यानी ये बीटा एच एसिडिक है। तो ये वाला जो सबस्ट्रेट होगा ये 99% एलिमिनेशन शो करेगा, जबकि ये वाला जो है ये 99% सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, ठीक है। तो बीटा एच का एसिडिक होना जरूरी है, क्योंकि इसमें बेस आते हैं आपके रिएजेंट्स, और बेस का क्या काम है, वो सिर्फ एच प्लस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो एच प्लस अच्छा एसिडिक होगा तभी तो उसके साथ रिएक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको बीटा एच एसिडिक दिखता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एलिमिनेशन हो, और बीटा एच अगर एसिडिक नहीं है तो फिर बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ पर एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेरिजन करते हुए चलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन भी जब पढ़ेंगे, ठीक है। एक और आपको बताया था एल्कोहलिक और एक्वस का, उसका भी ध्यान रखें और एक इस कंडीशन का भी ध्यान रखें। और देखिए न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो वो एज ए बेस वर्क करने लगेगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो वो एज ए बेस वर्क करने लग जाता है, और जब बेस की तरफ वर्क करने लगेगा तो एलिमिनेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ एलिमिनेशन कब अच्छा होता है, जब टेम्परेचर अच्छा हो, ताकि पोअर लिविंग ग्रुप वगैरह के बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमें मिल जाती है, ओके। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, और भी हैं, देखते हैं। एक रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, माइनस ऑफ एस टू, ठीक है, माइनस ऑफ एस टू मतलब एस टू का रिमूवल, डिहाइड्रेशन
जनरली हमें भी हो जाता है कई बार गर्मियों के दिनों में डिहाइड्रेशन, वैसे ही है। तो H2O का रिमूवल यानी एलिमिनेशन है, और एलिमिनेशन कब अच्छा होगा, जब बीटा एच अच्छा एसिडिक हो। बीटा एच का के जो है, जो कि एसिडिक के लिए हमारा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, एसिडिटी देखने के लिए, ओके, तो वो अच्छा होगा, मतलब अच्छा बीटा एच हो, अच्छा एसिडिक एच हो बीटा पे, ठीक है, तो वहाँ पे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये OH है, अब इसका जो बीटा एच है, ये अल्फा, ये बीटा, ओके, और इसके पास ये बहुत ही शानदार माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, ओके, बढ़िया माइनस आई लगाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाता है, यानी ये एक अच्छा एसिडिक एच है, ओके। तो यहाँ से एच प्लस रिमूव हो जाएगा इस पोजीशन से, और इस पोजीशन से OH निकल जाएगा, तो फाइनल डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसमें, ठीक। हमें यहाँ पे रेट बतानी है इन तीनों के अंदर कि किसकी ज़्यादा होगी सबसे, किसकी कम होगी, फिर सबसे कम किसकी होगी। देखिए NO2 सबसे अच्छा माइनस आई लगाता है, देन आपके CN लगाता है, और कीटोनिक ग्रुप, ये जो कीटोन ग्रुप है, ठीक है, ये और थोड़ा कम लगाएगा, इसको दो कर लें या फिर तीन कर लें, ताकि हमें पता चले कि कौन अच्छा माइनस आई लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये सबसे अच्छा एसिडिक एच है इन तीनों में से, इसके बाद ये दूसरा वाला एसिडिक एच अच्छा है, देन ये इन दोनों के कंपेयर में कम एसिडिक है, ओके। तो कम एसिडिक है तो जल्दी नहीं निकलेगा, इधर अच्छा एसिडिक है तो जल्दी निकल जाएगा, तो इसलिए इसकी रेट काफ़ी फास्ट होगी। यानी ये जो आपके जमे हुए हैं, अगर इसको मैं ABC लिख दूँ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का, ठीक है, ए की सबसे अच्छी रेट होगी, क्योंकि बहुत अच्छा एसिडिक एच है, फास्ट निकलेगा काफ़ी, जितना अच्छा एसिड उतना अच्छा एच प्लस देगा इजीली, और लास्ट में किससे निकलेगा, कीटोनिक वाले ग्रुप से। तो इस तरीके से एलिमिनेशन पे अदर क्वेश्चन बन जाते हैं कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बताओ या और कुछ हो, ठीक। अभी लेकिन हम सिर्फ रिएक्शन पहचानना सीख रहे हैं, ओनली क्या सीख रहे हैं, हम रिएक्शन पहचानना सीख रहे हैं, ओके। तो एक और लास्ट में कंपैरिजन दे देता हूँ, ताकि तीनों का आपको रिवीजन हो जाए, और आप भी दोबारा पढ़िएगा इनको, क्योंकि फिर सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा, तो फिर धीरे धीरे कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, तीनों में क्या आता है, बेस आता है, तीनों में क्या आता है, बेस तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक, टेम्परेचर हाई तीनों में होगा, ओके। अब रही बात कार्बोकेटायन बनेगा कार्बेनायन बनेगा, तो उसके लिए मैकेनिज्म बता चुका हूँ मैं तुम्हें, ओके, और इनकी कौन सी स्टेप, कितनी स्टेप्स होती है, टू स्टेप होती है, एक वन सिंगल स्टेप होती है, वो भी हम देख चुके हैं। तो एक कंपैरिजन है जिससे शॉर्ट आपको ध्यान रहे, शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलें, क्योंकि अगर इकट्ठे बनाने लगोगे तो कभी नहीं बन पाएंगे, ठीक है, साथ के साथ थोड़े थोड़े बनाते हुए चलें, ये लास्ट में रिविज़न में काफ़ी काम आते हैं, ओके। तो इवन में हमें बेस की कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए थी, क्योंकि पहले ही उसमें कार्बोकेटायन ऑलरेडी बन चुका होता है, तो ईजिली रिमूव कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें बेस की कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए थी, टेम्परेचर तो वैसे ही हाई चाहिए एलिमिनेशन में, बॉन्ड तोड़ने होते हैं इसलिए, और दो स्टेप रिएक्शन होती है, पहले कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, देन आपका एच प्लस रिमूव होता है। देन E2 में हमने क्या पढ़ा था, बेस अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि साथ में निकालना होता है एच प्लस और लिविंग ग्रुप को, सिंगल स्टेप रिएक्शन होने की वजह से, और जब साथ में निकलते हैं तो कोई कार्बोकेटायन कार्बेनायन हमें नज़र नहीं आता उसमें, ठीक है, क्योंकि फटाफट बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में ही हो जाता है प्लस माइनस से, ठीक है। इवन सी भी अभी अभी हमने पढ़ा, इसमें भी बेस अच्छा चाहिए, क्योंकि एच प्लस पहले निकालना होता है हमें इसमें, ठीक है, और लिविंग ग्रुप पुअर चाहिए होता है इसके अंदर, इन दोनों में लिविंग ग्रुप अच्छे हो तो अच्छी बात है, लिविंग ग्रुप भी लिख लो, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के ही अंदर लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, जबकि इसके अंदर लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, पुअर होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये आपकी थी तीनों रिएक्शंस। अच्छा, इन्हीं में आपके अल्फा बीटा गामा भी थे, जो कि पोजीशन बेस्ड आपका क्लासिफिकेशन था, अल्फा से आपके सेम कार्बन से दोनों एटम निकल जाते हैं, बीटा में आपके एडजेसेंट कार्बन से निकलते हैं, और गामा में आपके 1-3 पोजीशन से निकलते हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये E1 E2 E1 CB है, बस वो ध्यान में रहना ज़रूर चाहिए आपको, ओके। तो ये सारा क्लियर हो गया होगा, आई होप।